हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन IAS एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो क्या, वायरल स्पिल ओवर रिस्क। जैसे तुम्हें पता है कि जो वायरस है वो इंडिया में या फिर सारे वर्ल्ड में क्या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाते हैं, रेप्लीकेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा क्या होस्ट सेल को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। जैसे क्या होता है, दूध जो जब हम गैस पे रखते हैं तो ज़्यादा उबलने के बाद वो बाहर निकलने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पिल। वैसे ही स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है, वायरस इज ओवरकम मैनी नेचुरल एक्टिंग बैरियर्स। जो भी जो उनके बैरियर्स होते हैं, जैसे कोई ग्लेशियर है, जब वो मेल्ट होएगा हो जाएगा, जो अंदर उसके वायरस होंगे वो क्या न्यू इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। जब न्यू इन्वायरमेंट फेस करेंगे तो वो क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। इससे क्या होता है, जो डिजीजेस है वो फैलती हैं। डिजीजेस क्या हो सकती हैं, या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकती हैं, एनिमल टू ह्यूमन हो सकती हैं, या एनिमल टू एनिमल भी ट्रांसफर हो सकती हैं। जैसे अभी COVID-19 में हमने देखा कि कैसे एनिमल टू ह्यूमन, मतलब जूनॉटिक डिजीजेस कैसे फैल रही थी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि COVID-19, सार्स, मार्स एंड H1N1 वायरस। अभी रिसेंटली UK में एक क्या रिसर्च पब्लिकेशन हुआ था, प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल सोसाइटी बी। उन्होंने क्या बोला है कि जो वायरल स्पिल ओवर रिस्क है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो आने वाले कुछ सालों में ये जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या न्यू डिजीज या फिर पेंडेमिक वाले जो रीजन्स हैं वो और भी इंक्रीज हो सकते हैं। इस जो रिपोर्ट है, इसकी जो पब्लिकेशन है, उसके कुछ हाइलाइट्स क्या हैं, जैसे अभी क्या है, बहुत ज़्यादा क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या है, क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, सबसे पहले हम कितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से कि जो हमारा टेम्परेचर है वो अर्थ का, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ, टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो गया। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, सी लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। अब जो ग्लेशियर्स में जो वायरस छिपे हुए हैं, उनको चांस मिलेगा कि वो क्या करेंगे, एक न्यू होस्ट तक मूव कर पाएंगे, ठीक है, मतलब न्यू एरिया तक आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वायरल का स्पिल ओवर रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई जो पेंडेमिक रेट है वो क्या, इंक्रीज हो जाएगा। जो ये वाली स्टडी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कैनेडा में हुई थी। सोयल के सैंपल को स्टडी किया गया था लेक हजन से इन कैनेडा। अब कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं लेक हजन के बारे में। ये क्या है, लार्जेस्ट हाई आर्टिक लेक है बाय वॉल्यूम, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है। इन्होंने क्या किया था, इसके जो सॉयल सैंपल्स हैं उसको स्टडी किया था, जो भी वहाँ पे वायरस रहते हैं उनका RNA और DNA स्टडी किया था, उनकी सीक्वेंसिंग की थी। उससे बाद पता चला कि कैसे ये क्या करेंगे, आने वाले कुछ सालों में पेंडेमिक कर सकते हैं। ये मोस्टली कौन से एरिया में होगा, जो आर्टिक जोन में है, जैसे कैनेडा हुआ, वहाँ पर फर्टाइल ग्राउंड है फॉर द वायरल स्पिल ओवर। दिस इज ऑल अबाउट द वायरल स्पिल ओवर रिस्क। थैंक यू।